साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा वाजिद, और आज मैं मौजूद हूँ बरी में, जहाँ पर आज एक टेक अवे की ओपनिंग हुई है पीरी पीरी ग्रिलो के नाम से। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा फूड जो अभी इन्होंने टेस्ट करवाया है, और अभी चलते हैं जो पीरी पीरी ग्रिलो के मालिक हैं वकार साहब, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या स्पेशलिटी है इसमें और क्या चीज़ वो जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, तो बाकी सभी से अलग कर रहे हैं कि जिसके लिए लोग इनके पास आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा हेल्थी फूड है, ये हर चीज़ हम ग्रिल पे बना रहे हैं, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे, और ये स्पाइसेस हमारी अपनी है और हमारे नाम से ये इंट्रोड्यूस होंगी। और ये हमारा स्टाफ अच्छा स्टाफ, मेहनती स्टाफ और क्लीन, हर चीज़ यहाँ पे आपको क्लीन मिलेगी और फ्रेश मिलेगी, कोई चीज़ हम बनी बनाई नहीं इस्तेमाल करते। बहुत खूब जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल इनका कहना है कि जो भी मिलेगा फ्रेश मिलेगा, कोई चीज़ ये पहले बनाकर नहीं रखते, कस्टमर जब ऑर्डर देगा तो उसी वक्त फ्रेश जो है वो फूड इनको मिलेगा। इसके बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर से अख्तर साहब, जो कि कमर्शियल अताशी हैं, आज ये भी मौजूद हैं। जी जी माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा वकार अहमद साहब ने रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस कराया बरी में पैरी पैरी ग्रिलो के नाम से। बड़ा अच्छा फूड है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, बड़ी अच्छी एम्बियंस है, बड़ा अच्छा सेटअप है। मैं यही मैसेज दूंगा कि तमाम लोग जो हैं इनको मौका दें, यहाँ पे आएँ, फूड को एंजॉय करें। और इसके साथ साथ मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने आज जो है ना इंडिपेंडेंस डे का केक भी काटा है, क्या नाम है, हम कौंसलर जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर की तरफ से तमाम पाकिस्तानी जो जहाँ पर भी मुकीम है सबको यौम आज़ादी मुबारक। और इस आज़ादी को मनाते हुए हमें इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था, उस मकसद के हसूल में हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं, और हमें कौन कौन सी मज़ीद एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि हम वो मकसद को हसूल कर सकें। तो मेरी तरफ से कौंसल जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अख्तर साहब कमर्शियल अताशी, और इसके अलावा हमारे साथ एक और बड़ी हस्ती मौजूद हैं, माशाल्लाह साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, और इसके बाद जनाब मेयर बर्ले, और इसके बाद जनाब लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड के लॉर्ड वाजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वकार अहमद साहब को, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज ओपनिंग की है, बहुत खुशी है। जैसे इन्होंने मैंने खाना भी खाया, बहुत जायकेदार है, तो मैं सब तमाम जो देखने वालों को कहता हूँ आएँ इन्जॉय करें, हेल्थी ऑप्शन है, बहुत सी ऑप्शन है, और इनके प्रोफेशनल सर्विस है, तो ऐसी बिजनेस आने चाहिए और ये बड़ी का भी नाम ऊँचा कर रहे हैं। तो आखिर मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि मैं इंतहाई मशहूर हूँ अख्तर चौधरी साहब को, पाकिस्तान काउंसिल से आए हैं, डेप्टी मेयर भी है, डेप्टी लीडर भी है, तमाम काउंसलर्स भी यहाँ हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बरी की हिस्ट्री की, बरी की तारीख की पहली मुस्लिम खातून काउंसलर, और इस वक्त ये डेप्टी मेयर हैं बरी की, शाहिना अरुण साहबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा लगा ये, इस तरह के मैं कहती हूँ और भी रेस्टोरेंट होने चाहिए ताकि बिज़नेस को तकवीत मिले और लोगों को मिल बैठने का मौका मिले। और बड़ा अच्छा लगा आज फूड खाया, और हेल्दी फूड है, इसमें कोई ऑयली चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग यकीनन पसंद करेंगे। मैं तमाम लोगों को कहती हूँ आएँ और फूड को इंजॉय करें, और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। जी हाँ नाज़रीन, और इसके अलावा आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा तैमूर साहब, और इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगा है आज की इस गैदरिंग में आकर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई है आज की ओपनिंग, जो पेरी पेरी ग्रिलो की आज ओपनिंग है, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, जो हमारी कम्यूनिटी है स्पेशली बरी में, दिन ब दिन हमारे बिजनेसेस इंक्रीस हो रहे हैं और ये लोकल इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं वकार साहब को, इनकी साथियों को, इनकी फैमिली वालों को, इनका स्टाफ को, सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और उनको वेल विश करना चाहता हूँ जिन्होंने नई बिज़नेस खोली है, और इंशाल्लाह दिन ब दिन इनके कस्टमर बढ़ेंगे, और जो बरी की अवाम है वो इनका जो टेस्टी फूड है उससे वो बेनिफिट लेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रोज़ी में बरकत डाले। थैंक यू वेरी मच जी हाँ नाज़रीन। और इसके अलावा ये हमारी सिस्टर भी मौजूद हैं, ये भी आज इस फंक्शन में मौजूद थी। जी आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काउंसलर फ्रूक है, और मैं यहाँ अपनी दोस्त के हस्बैंड के टेक में भी आई हूँ, और इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हेल्थी खाने का रेस्टोरेंट बना है बरी में, और ये मेरी वार्ड में है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऐसी रेस्टोरेंट बना है यहाँ पे। अल्लाह ताला इनकी
कंपनी में यानी कि इनकी रेस्टों में इजाफा दे और बरकत डाले और जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आप कहना चाहेंगे कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ एज ए गेस्ट। तो मैंने डिस्कवर किया कि माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम, फूड भी खाया ज़बरदस्त किस्म का। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं वकार साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। जी माशाल्लाह बहुत नाइस फूड है और वेरी नाइस एम्बिएंट है और वेल विशेस पुकार भैया, थैंक यू। जी नाजरीन, आज की इस तकरीब में माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने शिरकत की और इतने तवील तरीन लॉकडाउन के बाद इस तरह की जो लोगों की ये महफल लगी है आज, ये क्या कहते हैं कि ये किसी बिजनेस की ओपनिंग या इस तरह की कोई बहाना ही होता है, लेकिन ये जो लोगों की स्ट्रेस है फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स, पिछले डेढ़ साल से ये इस तरह के मौके जो मिलते हैं, ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने के बहुत ही अच्छे मौके हैं। और इतने तवील तरीन लॉकडाउन के बाद इस तरह की जो लोगों की ये महफल लगी है आज, ये क्या कहते हैं कि ये किसी बिजनेस की ओपनिंग या इस तरह की कोई बहाना ही होता है, लेकिन ये जो लोगों की स्ट्रेस है फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स, पिछले डेढ़ साल से ये इस तरह के मौके जो मिलते हैं, ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने के बहुत ही अच्छे मौके हैं। अपने मेज़बान राजा वाजिद को आज की पक्की खबर से दीजिए इजाज़त, अगली पक्की खबर तक अल्लाह हाफिज़, रब राखा।